त्योंथर तहसील में एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय के अधिवक्ताओं तथा पटवारियों के बीच मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई तथा अब लगातार दोनों पक्षों के मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नवीन सरकार बनते ही लगातार प्रशासनिक कर्मचारियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं तथा प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी अवसरशाही में उतारू हो गए हैं और कहीं भी कोई भिखारी अपनी मनमानी से करते रहते हैं, जिसका ताजा उदाहरण त्योंथर तहसील के तहसीलदार और एसडीएम कार्यालय में देखने को मिला, जहां जाति प्रमाण पत्र बनवाने एक पटवारी मारपीट पर उतारू हो गया। मारपीट भी ऐसी हुई जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और अब तमाम प्रशासनिक कर्मचारियों व अधिकारियों की किरकिरी होने लगी है। दरअसल त्योंथर तहसील के एक अधिवक्ता ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर उन्होंने पटवारी हलका कोराव से रिपोर्ट लगाने का आग्रह किया, लेकिन वह कार्य को लेकर पटवारी पिछले कई दिनों से आनाकानी कर रहे थे, जिस पर गुरुवार को पटवारी तथा अधिवक्ता के बीच कहासुनी हो गई और पटवारी महोदय मारपीट पर उतारू हो गए तथा विवाद को लेकर पटवारियों और अधिवक्ताओं के बीच मारपीट हुई। हालांकि तुरंत ही मामले पर त्योंथर तहसीलदार जितेंद्र तिवारी का हस्तक्षेप हुआ और दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ, मगर अब भी दोनों पक्षों में असंतोष ही देखा जा रहा है, जिसके बाद अब मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा।